नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर राजू टेहट और सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी के हत्यारे गैंगस्टर रोहित गोदारा ने अब एक बार फिर से बीजेपी नेता से रंगदारी मांगी है और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। दरअसल गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस बार रंगदारी के लिए एक बीजेपी के नेता को चुना। रोहित गोदारा ने व्हाट्सएप कॉल कर 7 दिनों में 5 करोड़ रुपए की डिमांड की और नहीं देने पर जान से मार देने की ठीक वैसे ही धमकी दी है जैसे सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी और राजू टेहट की हत्या हुई थी। उसने कहा कि पुलिस को रिकॉर्डिंग भी सुना देना, वो तेरी सुरक्षा नहीं कर पाएगी। शिवदासपुरा थाने में पीड़ित बीजेपी नेता ने FIR दर्ज करवाई है। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। इस मामले में पुलिस ने कहा कि शिवदासपुरी के रहने वाले 36 साल के बीजेपी नेता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी होने के साथ उनका अपना बिजनेस भी है। गुरुवार को ऑफिस में बैठकर काम कर रहे थे, इस दौरान करीब 1:30 बजे उनके मोबाइल नंबर पर इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कॉल आता है। कॉल करने वाले ने धमकाते हुए खुद का नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का रोहित गोदारा बताया। बदमाश ने धमकी देते हुए कहा, मैं जानता हूं तू कितना बड़ा बिजनेसमैन है, अगर 7 दिनों में 5 करोड़ रुपए नहीं देगा तो तू चाहे कहीं भी छिप जा, तुझे हमारे से कोई बचा नहीं सकता। बदमाश ने कहा कि पुलिस को भी यह रिकॉर्डिंग सुना देना, पुलिस तेरी सुरक्षा नहीं कर पाएगी, तेरे पास 7 दिन का वक्त है। रंगदारी के लिए धमकी भरा कॉल आने के बाद पीड़ित ने शिवदासपुरा थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस इंटरनेशनल मोबाइल नंबर के आधार पर धमकी देने वाले के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। उस दिन पहले भी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने राजस्थान के राजधानी जयपुर के एक बिजनेसमैन से 37 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। बिजनेसमैन को भी व्हाट्सएप कॉल कर जान से मारने की धमकी देकर रुपयों की डिमांड की गई थी। इसके साथ ही अजमेर जेल में बंद सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी के हत्यारे ने भी बिजनेसमैन को कॉल कर धमकी दी थी। पीड़ित बिजनेसमैन ने भी 14 अप्रैल को वैशाली नगर थाने में FIR दर्ज करवाई थी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल बीजेपी नेता को धमकी देने के मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन जिस तरह से गैंगस्टर रोहित गोदारा लगातार राजस्थान में एक के बाद एक बड़े बड़े हस्तियों को फोन करके रंगदारी की कॉल कर रहा है, वो कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस की रातों की नींद उड़ा चुका है।